राज्यसभा चुनावों का परिणाम घोषित हो गया है। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी विजयी हुए। बीजेपी के राजेंद्र गहलोत भी विजयी हुए। तीनों ही विजयी उम्मीदवारों को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों को सभी ने बधाई यहां पर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे ने अपनी बधाई उन्हें दी। केसी वेणुगोपाल को 64, नीरज डांगी को 59, राजेंद्र गहलोत को 54 और ओमकार सिंह लखावत को कुल 20 वोट हासिल हुए हैं। राज्यसभा चुनावों का परिणाम घोषित हो गया है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल राव की जीत दर्ज हुई है। साथ ही में नीरज डांगी, जो कांग्रेस के एक और दूसरे प्रत्याशी, उन्होंने भी अपनी जीत को दर्ज किया है। और पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, बधाई देने वालों का तांता लग गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो उम्मीदवार इस चुनाव के लिए खड़े किए। राजेंद्र गहलोत ने इसमें से जीत दर्ज की है। इसके अलावा ओमकार सिंह लखावत इस चुनाव में हार गए, 20 वोट उन्हें हासिल हुए। और एक बार फिर से कांग्रेस का वर्चस्व कायम रह पा रहा है। दोनों ही प्रत्याशी, दोनों को खड़ा किया काफी ज्यादा विश्वास के साथ में और दोनों ने अपनी जीत दर्ज की। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, दोनों ही प्रत्याशी कांग्रेस के, जिन पे इतना ज्यादा विश्वास जाहिर किया था, दोनों ने ही अपनी जीत दर्ज की। 123 कुल वोट मिले हैं, कांग्रेस के खाते में आए हैं। दो वोट माकपा विधायक गिरधारी महिया और मास्टर भवरलाल मेघवाल ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते अपना वोट कास्ट नहीं किया। तमाम क्या अपडेट है आपके पास? दिनेश, आपसे जानना चाहूंगी, 123 कुल वोट आए हैं कांग्रेस के खाते में, माकपा के विधायक गिरधारी महिया और मास्टर भवरलाल मेघवाल ने अपना वोट कास्ट नहीं किया स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते, लेकिन जो विश्वास बनाया था कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही प्रत्याशियों पर, उस पर खरा उतरे हैं दोनों प्रत्याशी? बिल्कुल, देखिए जैती, कुल 198 वोट 200 सदस्य विधानसभा में आज दले थे राज्यसभा चुनाव में, जिसमें से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र गहलोत वो विजयी हुए हैं, उनके 54 वोट मिले हैं। साथ ही जो ओंकार सिंह लखावत दूसरे प्रत्याशी हैं उनको केवल 20 वोट मिले हैं, एक वोट बीजेपी का रिजेक्ट हुआ है। साथ ही कांग्रेस के जो दोनों प्रत्याशी थे केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी, उनको केसी वेणुगोपाल हैं उनको 64 वोट मिले हैं। साथ ही नीरज डांगी जो दूसरे उम्मीदवार थे उनको 59 वोट मिले हैं। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से रणनीति के तौर पर दूसरा उम्मीदवार उतारा था, जिसके बाद कांग्रेस की जो चुनाव है, तीन सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, चार उम्मीदवार होने के बाद बड़ा रोचक हो गया था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की विधायक दल में बीजेपी की ओर से सेंधमारी करने की कोशिश की गई उसमें कहीं भी बीजेपी को सफलता नहीं मिली। बीजेपी की एक और जो वोट है रिजेक्ट हुआ है, केवल 21 वोट थे, उनमें से 20 जो दूसरे उम्मीदवार हैं ओंकार सिंह लखावत उनको 21 वोट दिले थे, उनमें से 20 वोट मिले हैं, एक वोट ओंकार सिंह लखावत को जो मिला उसमें से रिजेक्ट हुआ है। साथ ही कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार विजयी हुए हैं। अभी कुछ देर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने तमाम जो MLA हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित किया है। निर्दलीय विधायक और BTP के विधायक, CPIM के जो विधायक हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित किया है। तमाम जो निर्दलीय हैं, 13 निर्दलीय विधायक हो या विधायक, तमाम विधायक को धन्यवाद ज्ञापित किया है। सब जो विधायक हैं सबने एक साथ कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन किया और दोनों उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। जी जी, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से फेल हो गई और तीन में से दो सीटें आई है कांग्रेस के खाते में, एक पाले में आई है भाजपा के। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दिनेश।